बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तुसी चैनल देख रहे हो अकरम यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉनिक्स। मैं तो अपना दोस्त मुहम्मद अकरम। दोस्तों आज असी नोबल दा टीवी TCL दा नोबल ये टीवी ओके करांगे। दोस्तों FM रेडियो ये अवेलेबल है और एंटीना केबल ये चलता। दोस्तों टीवी दी वीडियो शेयर मैं दोस्तों नाल करिए। दोस्तों ये फॉल्ट आया कि असी शू लगाने ये आन नहीं हो रहा। दोस्तों मैं इन्हें दिखाऊंगा तो इंशाल्लाह जिहड़ा भी फॉल्ट निकलेगा क्लीयर दिखावगा, 100% दिखावगा। दोस्तों यदी रेड लाइट जल जाती जिस टाइम असी शू लगाने लेकिन ये आन नहीं होंदा। दोस्तों टीवी मैं तो रेड लाइट दिखा देना, देखो रेड लाइट यदि जल रही है स्टैंड बाई वाली लेकिन आन नहीं हो रहा। दोस्तों असं कोई भी बटन दबाने या सारा कुछ देखिया कर करके लेकिन आन नहीं आया। दोस्तों हूँ असं देखा सर्कट के दे आया कि सर्कट च की प्रॉब्लम है जोड़ा आन नहीं होंगे। अच्छा दोस्तों जिस टाइम असं देखो ए बटन दबाने हैं ना जी, देखो लाइट साड़ी वर्किंग कर दी उस टाइम। देखो इस तरह लग रहा जिस तरह आन होने की कोशिश कर रहा टीवी लेकिन आन नहीं हो पा रहा। दोस्तों असं ये सारों पहले 110 वोल्ट चेक करांगे, यदा डैम्पर चेक करांगे। डैम्पर चेक करन तो बाद फिर दोस्तों अगला स्टेप देखांगे। पहला दोस्तों ये 110 वोल्ट चेक करते हैं, फिर यदा डैम्पर। दोस्तों या तो असं यदा अगों सेंसर खोल लाँगे और बोर्ड उल्टा करन नाल दोस्तों साडा सेंसर नहीं अगे लगना। सेंसर ना अगे लगा होया तो सानू इहदा पता नहीं चलना कि लाइट आई कि नहीं आई। दोस्तों दा सेंसर खोल लेने हैं नाले बेस्ट तरीके नाल तुहानू भी पता चल जाएगा कि आया कि वाकई इहदी रेड लाइट चल रही है या नहीं चल रही। स्टैंड बाई ते दोस्तों सैट खड़ा होया स्टैंड बाई ते, असीं दोस्तों इहदा सेंसर भी खोल लें दोस्तों और इहदा पैनल भी खोल लें, जिहड़ा बटन वाला पैनल आ वह भी दोस्तों खोल लें इंशाल्लाह। इहदा खोल के ते फिर तुहाडे नाल अगली वीडियो इंशाल्लाह सारी शेयर करते हैं A to Z इंशाल्लाह। वीडियो की हुण असीं कटिंग नहीं करांगे, पहले असीं वीडियो की कटिंग करके छोटियां वीडियो बनांदे सी 2-2, 4-4 मिनट दियां, लेकिन हुण दोस्तों कुछ दोस्तों ने सानूं कहा कि कटिंग ना करिया करो वीडियो की, वीडियो चलन दिओ लेकिन मुकम्मल कंप्लीट विखाओ कि फॉल्ट किस चीज़ का सी, कित्थों तुसीं कढ़िया जाके। असीं दोस्तों तुहाडे नाल मुकम्मल शेयरिंग करते हैं, अल्लाह खैर रखे इंशाल्लाह। है दोस्तों साडा पैनल आ गया इहदा और सेंसर आ गया और बटन आ गए। दोस्तों पहले भी काफ़ी अरसा पहले कितने शायद साढ़े भरा किसी कारीगर को रिपेयर होया, प्रिंट टुटे हुए थे फ्लाई बैक को, उन्होंने प्रिंट वगैरह लगाए हुए हैं फ्लाई बैक को, प्रिंट वगैरह टुटे हुए थे तो प्रिंट वगैरह के पहले ही लगे हुए हैं और काफ़ी अरसा पहले के लगे हुए हैं, हुण दे नहीं लगे। दोस्तों हो सकता इन भी लूजिंग हो, लेकिन असीं इहनूं चैक करांगे 110 वोल्ट पहले। दोस्तों असी यदा शू लगा दिता, पोजिशन साड़ी है कि फ्लाईबैक स्टार्ट होंदा वा, लेकिन फ्लाईबैक स्टार्ट होने तो बाद जिहड़ा ना जी वापसी स्टैंड बाई ते चल जाता। वोल्ट चैक करांगे 110 वोल्ट ओके है गए आ। दोस्तों 110 वोल्ट साढ़े खड़े है, यदा मतलब साडा डैम्पर जिहड़ा ना जी वो शॉर्ट नहीं है। दोस्तों मैं तुहानू दसदा चाहना कि अगर डैम्पर साडा शॉर्ट होवे ना जी इहदा ते 110 वोल्ट साढ़े जिहड़े है ना जी वो 0-0 हो जाते हैं, या साडे इस दौरान 110 वोल्ट ते रेजिस्टेंस लगी होंदी। दोस्तों है ना 0.22 दी 2.2 ओम तक 0.22 तो लग के 1 ओम भी लगी होंदी है। दोस्तों यह साडी रेजिस्टेंस लगी होंदी है 110 वोल्ट के उपर। यह दोस्तों अगर खराब हो जाती है ना जी फिर साडे फ्लाईबैक तक करंट नहीं पहुँचता, लेकिन दोस्तों साडे फ्लाईबैक तक 110 वोल्ट आ चुके हैं, 110 वोल्ट साढ़े डैम्पर तक पहुँच चुके। दोस्तों डैम्पर से साढ़े 110 वोल्ट आ रहे हैं लेकिन सैट साडा फिर भी नहीं स्टार्ट हो रहा। आया कि जिस टाइम असं यदा आन करन की कोशिश करते हैं सैट एक दफा आन होने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन फिर स्टैंड बाई तो वापसी चल जाता। ये दोस्तों असं चीज़ देखांगे कि साडा डैम्पर भी नहीं खराब हैगा लेकिन साडा स्टैंड बाई तो क्यों सैट जा रहा। दोस्तों असी ये चीज़ देखांगे जिस टाइम ये स्टार्ट होंदा ना जी, दोस्तों उस टाइम साडा फ्लाईबैक स्टार्ट होंदा वो उस टाइम वापसी स्टैंड बाई तो लाइट आ जाती है।
जिस तरह ही असं बटन दबाने ब्लिंक कर दी लाइट और जिस तरह ही झटका लाता फ्लाई बैग उस टाइम फिर वापसी स्टैंड बाई से। दोस्तों का मतलब है कि साढ़े फ्लाई बैग स्टार्ट होने तो बाद फिर दोबारा स्टैंड बाई देता वा। दोस्तों दो इशू आ सकते हैं, एक साडा जरा वोल्टेज बन रहे 180 वोल्टेज, ये दोस्तों फॉल्ट हो सकता साढ़े 180 वोल्ट जोड़े इस जगह पर बन रहे हैं। दूसरा दोस्तों साढ़िया इतों दो पिना के 14 वोल्ट 14 माइनस 14 प्लस निकल के आई सी जा रहे वर्टिकल आई सी। दोस्तों अगर यदा वर्टिकल आई सी शार्ट होया ना जी तो इस तरह ही इन्हें स्टार्ट होएगा वापसी स्टैंड बाई से, फिर स्टार्ट होने की कोशिश करेगा फिर वापसी स्टैंड बाई से। यानी कि जिन्ना चिकर अगो कोई भी प्रिंट साडा कोई भी चीज़ अगो ब्रेक हैगी अगर 110 वोल्ट अपना 180 वोल्ट वाली साइड तो ब्रेक हैगी फिर भी इन्हें वापसी स्टैंड बाई से चल जाना। अगर दोस्तों यदा वर्टिकल क्योंकि यदा वर्टिकल फ्लाई बैग चो बनता पाया करंट जो फ्लाई बैग चो बनता पाया, अगर दोस्तों ये शार्ट होएगा तो फिर भी ये जरा ना जी वापसी जाएगा स्टैंड बाई से ही। असी दोस्तों यदा बेहतरीन तरीका की करांगे असी यदा शू निकालांगे और यदा जरा आई सी है ना जी यदि पिना ओपन कर देंगे, आई सी हाले फिलहाल बेच ही रहन देंगे आई सी बाहर नहीं कढ़ते। दोस्तों असी ये जो पिना है ना आई सी दियाँ वो ओपन कर देंगे ताकि जोड़ा ना जी अपना सानू ये ट्रेस लिए असी कि आया कि आई सी का ही फॉल्ट आ या कि साडा 180 वोल्ट वाली साइड से फॉल्ट आ। फ्लाई बैग से वोल्टेज आते हैं ना जी दोस्तों उस टाइम ही वापसी स्टैंड बाई से साडा सैट आ जाता वा। ये ये भी हो सकता कि साडा फ्लाई बैग का शार्ट हो। दोस्तों एल जी टी वी मैं एल जी टी वी का फॉल्ट कढ़िया सी उहदा दोस्तों डैम्पर जलिया होया सी, डैम्पर असी उहदा नवा लगाया तो जिस टाइम ही असी उहदे च वी यही पोजिशन सी जिस टाइम ही असी उहनू आन करदे सी सैट नू वापसी दोस्तों स्टैंड बाई से चल जाता सी और असी उहनू दो चार वारी आन करदे सी दोस्तों तो उहदा डैम्पर जल जाता सी, उहदा डैम्पर बहुत ज़्यादा हीट हो के ना डैम्पर जल जाता सी दोस्तों तो उहदा असी ये फॉल्ट कढ़िया दोस्तों कि उहदा डैम्पर जिहड़ा ना जी उह जल जाता सी ते वो फिर असी दोस्तों दा फ्लाई बैग रिप्लेस किया नया डालिया और फिर जाके दोस्तों सैट होके होया सीगा। दोस्तों ये भी उस पोजिशन से हैगा सैट के जिस तरह ही आन होंदा एक दफा उस तो बाद जिहड़ा ना जी ये चल जाता वा फॉल्ट। अच्छा दोस्तों यदा असी फ्लाई बैग रिप्लेस करन तो पहला एक होर चीज़ यदि नोट करांगे, पहले असी यदा आई सी चैक करांगे उस तो बाद असी ये चीज़ देखांगे कि साडा फ्लाई बैग अगे पूरे वोल्टेज दे रहा और प्रिंट दोस्तों असी ये चैक करांगे प्रिंट तो नहीं कोई मिस हैगा, फिर असी दोस्तों यदा फ्लाई बैग जरा ना जी रिप्लेस करांगे अगर के साडा फ्लाई बैग 180 वोल्ट नहीं बनाएगा दोस्तों फिर असी जरा ना जी यदा फ्लाई बैग रिप्लेस करांगे। भाई दोस्तों असी ये वोल्टेज वगैरह चैक करते हैं, वोल्टेज चैक करते हैं कि आया कि वोल्टेज साढ़े असी आई सी ओपन कर दिता होया आई सी सारा ओपन करता ओपन करके आई सी हुण असी ये वोल्टेज चैक करांगे फ्लाई बैग दे साढ़े वोल्टेज आ रहे हैं फ्लाई बैग से वोल्टेज आ रहे दोस्तों हुण असी ये चीज़ चैक करांगे आया कि साढ़े फ्लाई बैग अगे 180 वोल्टेज बना रहा असी आन करांगे दोस्तों देखो मैं आन किया 180 वोल्ट बना रहा दोस्तों फ्लाई बैग लेकिन फिर देखो 180 वोल्ट बना के वापसी चली जा रहा देखो स्टैंड बाई से जा रहा। हुण दोस्तों इहदा ये भी हो सकता वा कि जिहड़ा ना जी असी आई सी ओपन किया ना जी आई सी ओपन करन नाल आई सी का ही फॉल्ट होवे वर्टिकल आई सी का अक्सर फॉल्ट आ जाता जिस टाइम पिक्चर ट्यूब के उत्ते जिहड़ा ना जी साडा डस्ट जमदी है ना जी उस टाइम इहदे स्पार्किंग होंदी कैब विचों देखो ए कैब विचों स्पार्किंग हो गया जिहड़ा ना जी इहदा वर्टिकल आई सी का ज़्यादा मसला बनता। हुण दोस्तों असी इहदा ना पहले आई सी ही रिप्लेस करके देखते हैं क्योंकि फ्लाई बैग जिहड़ा ना जी बड़ी आइटम आ और महंगी आइटम आ ठीक हो गया जी असी इस तो पहला क्योंकि साढ़े को आई सी जिहड़ा ना छोटा ये मौजूद हों वा असी पहले यही देखांगे कि आई सी का वर्टिकल का फिर इस तो अगे जिहड़ा ना जी ये चीज़ देखांगे अगर ना ही साडा आई सी चेंज करन नाल हुंदा इंशाल्लाह जिवें जिवें जिहड़ी जिहड़ी चीज़ का फॉल्ट आएगा तुहाडे नाल बिल्कुल 100% असी रिपे शेयर करांगे इंशाल्लाह हर चीज़ तुहाडे नाल शेयर करांगे कि देखो तुहानू ए टू जैड असी जिहड़ा ना जी वीडियो दिखाने ए टू जैड फॉल्ट दिखाने और इंशाल्लाह जिस चीज़ का फॉल्ट होएगा इंशाल्लाह तुहाडे नाल शेयर करके शेयर करांगे बिल्कुल 100% और मेरा नंबर विच आ रहा हुंदा व्हाट्सएप का अगर किसी दे दोस्त नूं किसी किस्म का शक शुबा कोई भी होवे कोई सवाल पूछना चाहे किसी किस्म का साढ़े को पूछ सकदा ठीक हो गया ना दोस्तों। दोस्तों यह हैगा वा जी 78040 आई सी असी 78040 की जगह पर नवा रिप्लेस करांगे उहदी वजह यह है कि जिहड़ा ना कैप तो इहदे तो स्पार्किंग हुंदा कैप तो कैप दे उत्ते डस्ट बहुत ज़्यादा आउंदी और नवी जिस टाइम स्पार्किंग हुंदा ना दोस्तों कैप तो उस टाइम इहदा
ਵਰਟੀਕਲ ਆਈਸੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਡੈਂਪਰ ਉੱਡਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਡੈਂਪਰ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦਾ ਓਕੇ ਹੈਗਾ, ਡੈਂਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਡੈਂਪਰ ਇਹਦਾ ਵੈਸੇ ਓਰੀਜਨਲ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਡੈਂਪਰ ਵੈਸੇ ਓਰੀਜਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੀ ਵੀ ਦਾ ਨੋਬਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਓਰੀਜਨਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ 7040 ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਾਂਗੇ ਨਿਊ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਦੋਸਤੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੈੱਟ ਕਿਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੋ। ਦੋਸਤੋ 7040 ਛੋਟੀ ਆਈਟਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਗਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਐਡੇ ਖਾਸ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਡਾ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ 7040। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਵਰਟੀਕਲ ਆਈਸੀ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ 180 ਵੋਲਟ ਉਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅੱਗੋਂ ਡਿਸਟਰਬ ਇਹਦੇ ਬੇਸ ਤੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਰਹੇ ਇਹਦੇ ਦੋਸਤੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਲਾਈ ਬੈਗ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਲਾਈ ਬੈਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਆਈਟਮ ਆ ਔਰ ਮਹਿੰਗਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਲਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਵੇਂ ਆਈਸੀ ਨੂੰ, ਨਵੇਂ ਆਈਸੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਨਵੇਂ ਆਈਸੀ ਨੂੰ ਸ਼ੋਲਡ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਈਸੀ ਇਹ ਕਿਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੈੱਟ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਦੋਸਤੋ ਵੀਡੀਓ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਗਾ ਦਿਆਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਸ਼ੂ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ, ਸ਼ੂ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਾਪਸੀ ਉਸੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਦੋਸਤੋ ਸੈੱਟ ਸਾਡਾ ਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਰੱਖੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਦੋਸਤੋ ਸਾਡੇ ਵਰਟੀਕਲ ਦਾ ਹੀ ਫਾਲਟ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸੈੱਟ ਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਵਰਟੀਕਲ ਜਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਵਰਟੀਕਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਪਸੀ ਸਟੈਂਡ ਬਾਈ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੈੱਟ ਸਾਡਾ, ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੈੱਟ ਸਾਡਾ ਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਓਰੀਜਨਲ ਫਾਲਟ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਦੋਸਤੋ ਇਹਦਾ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਵਰਟੀਕਲ ਆਈਸੀ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੈੱਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਾਪਸੀ ਸਟੈਂਡ ਬਾਈ 'ਤੇ। ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵੋਲਟੇਜ ਸਾਰੇ ਬਣ ਗਏ ਹੋਏ ਆ, ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਸਾਡਾ ਸੈੱਟ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਅਗਰ ਨਾ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਦੋਸਤੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਫਲਾਈ ਬੈਗ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ 180 ਵੋਲਟ ਸਾਡੇ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ ਵੋਲਟੇਜ ਆਈਸੀ ਦੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, 12 ਵੋਲਟ ਪੂਰੇ 12 ਵੋਲਟ ਕਰੈਕਟ ਦੋਸਤੋ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਕਰੈਕਟ 12 ਵੋਲਟ ਹੈਗੇ ਦੋਸਤੋ, ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਦੋਸਤੋ ਇਹਦਾ ਆਈਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹਦਾ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਆਈਸੀ ਡੈਡ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੈੱਟ, ਔਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹਦਾ ਆਈਸੀ ਓਪਨ ਕਰ ਲਓ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੈੱਟ, ਕਿ ਬਾਰ ਬਾਰ ਬਲਿੰਕਿੰਗ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਵੋਲਟੇਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਥੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੋਲਟੇਜ ਬਣ ਗਏ। ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਵੈਸੇ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੋਲਡਿੰਗ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਓਸੀਲੇਟ ਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਸੈੱਟ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਵਰਟੀਕਲ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈੱਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤੋ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ। ਔਰ ਨੋਬਲ ਦਾ ਸੈੱਟ ਆ ਦੋਸਤੋ ਔਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੈੱਟ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਦੋਸਤੋ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਵਰਟੀਕਲ ਦਾ ਹੀ ਫਾਲਟ ਸੀ, ਔਰ 100% ਇਹਦਾ ਵਰਟੀਕਲ ਦਾ ਫਾਲਟ ਸੀ ਦੋਸਤੋ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਸੈੱਟ ਦੋਸਤੋ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਦੋਸਤੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ A to Z ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਫਾਲਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸੈਂਸਰ ਵੀ ਖੋਲਿਆ ਸੀ, ਪੱਟੀ ਵੀ ਪੈਨਲ ਵੀ ਖੋਲਿਆ, ਬਟਨ ਪੈਨਲ ਵੀ ਖੋਲੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਕੰਮਲ ਦਿਖਾਈ ਆ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਸੈਡ 'ਚ ਫਾਲਟ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਫਾਲਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਆਈਸੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਵਾ ਦੋਸਤੋ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਰੱਖੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਔਰ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਰਦਾ ਵੀਡੀਓ ਦੀ, ਜੋ ਫਾਲਟ ਹੁੰਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਦਾਨੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਇਹ ਡਾਊਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਲੂਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦਾ ਲੂਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਆਈਸੀ ਦਾ ਹੀ ਵਰਟੀਕਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਆਈਸੀ ਦੀ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕੈਪ ਤੋਂ, ਕੈਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਡਸਟ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਔਰ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਟੀ ਵੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਣੇ। ਦੋਸਤੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ 20 ਵਰਟੀਕਲ ਆਈਸੀ ਇਹਦਾ ਜਲ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸੈੱਟ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਪਾਰਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਲਾਈ ਬੈਗ ਤੋਂ, ਔਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕੈਪ ਤੋਂ ਸਪਾਰਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਲਾਈ ਬੈਗ ਦਾ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਆਈਸੀ ਵਰਟੀਕਲ ਦਾ ਜਲ ਸਕਦਾ। ਦੋਸਤੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਜੋ, ਔਰ ਨਵੇਂ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਦੋਸਤੋ।